नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने एमबीसी विकास कोष के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए दी 231 करोड़ रुपए की मंजूरी। एमबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा। 3 जुलाई को होगा पालनहार लाभार्थी उत्सव। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर ली समीक्षा बैठक। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना से बुजुर्गों का तीर्थयात्रा का सपना हो रहा साकार। लाभार्थियों ने राज्य सरकार के इंतजामों को बताया बेहतरीन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 231 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये राशि एमबीसी विकास कोष के तहत मंजूर की गई है। मुख्यमंत्री ने देवनारायण अनुप्रीति योजना के लिए 1.5 करोड़ रुपए, देवनारायण पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 8 करोड़ रुपए, देवनारायण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 135 करोड़ रुपए, देवनारायण गुरुकुल योजना के लिए 17.50 करोड़ और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 20.34 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं रावत भाटा और विराटनगर में देवनारायण आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में सुगमता होगी और वे अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 जुलाई को प्रस्तावित पालनहार लाभार्थी उत्सव की सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी लाभार्थी उत्सव को सफल बनाकर सभी पात्र बालक बालिकाओं को पालनहार योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव सचिवालय में पालनहार लाभार्थी उत्सव की तैयारियों के संबंध में शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। मुख्य सचिव ने कहा कि संबंधित अधिकारी आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लें कि इस योजना के तहत बढ़ी हुई सहायता राशि डीबीटी के जरिए पात्र व्यक्तियों को जल्द ही हस्तांतरित की जाए। आज चिकित्सक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, राजस्थान को स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का श्रेय हमारे चिकित्सकों को जाता है। चिकित्सक दिवस आपकी कर्तव्यनिष्ठा और लगन को प्रणाम करने का दिन है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेशवासियों को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति मिली है। वहीं राइट टू हेल्थ कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। प्रदेश भर में 2500 महात्मा गांधी पुस्तकालयों और संविधान केंद्रों में पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इनके लिए 11 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस राशि से केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। पुस्तकालय और संविधान केंद्र पंचायतों और शहरों के वार्डों में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री की स्वीकृति से पाठकों को अध्ययन के लिए पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध हो सकेंगी। वे महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को भी पढ़ और समझ पाएंगे। प्रदेश में फूड टेस्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा। मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए 25 नए फूड सेफ्टी वाहनों का संचालन होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इनके लिए 75 संविदा पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें असिस्टेंट एनालिस्ट के 25, मल्टीटास्किंग स्टाफ के 25 और वाहन चालकों के 25 पद सहित कुल 75 पद सृजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य में 9 चल प्रयोगशालाएं पहले से ही संचालित हैं और 25 नई फूड सेफ्टी वाहनों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से मिलावटखोरी पर रोक लगेगी, आमजन को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में खोले गए 33 नए उप तहसील और 11 तहसील कार्यालयों में विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों में 86 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश में चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को तीर्थयात्रा करवाई जा रही है, जिसे लेकर वृद्ध जनों में उत्साह का माहौल है। हाल ही में बीकानेर से गंगा सागर तीर्थयात्रा पर गए यात्री वापस लौटे तो उनके चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। बुजुर्गों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें इस यात्रा में बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। बुजुर्गों ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे परिवार का सदस्य हमारी देखभाल कर रहा हो। यात्रा के दौरान साथ रहे अधिकारी का स्वभाव भी बेहद अपनेपन भरा रहा। मुख्यमंत्री जी, गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई योजना तीर्थ यात्रा योजना से हम बड़े खुश हैं।
हमारा तो इतना मान सम्मान किया इस गाड़ी में, हर तरफ से किसी प्रकार के खाने पीने का या रहने का आने जाने का आगे गंगा तकलीफ हुई, और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने श्रवण कुमार बनकर हमारे को ये तीर्थ यात्रा करवाई, उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 25/6/2023 को गंगा सागर यात्रा से रवाना हुए थे। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो वरिष्ठ यात्रियों के लिए गंगा सागर की यात्रा की गई है वो बहुत ही सराहनीय है। हमें IRCTC की तरफ से, देव स्थान विभाग की तरफ से जो सुविधाएं दी गई, जिस प्रकार की गाड़ी बनाई गई है, इसमें सारे के सारे बैठने का, सोने का, शौच वगैरह और समय समय पर खाना देना, लंच देना, डिनर देना बहुत ही सराहनीय रहा। जब हम गंगा सागर गए तो वहाँ पर हमारा प्रबंध जो ठहरने का था बड़ा उत्तम था, हमें वहाँ खाने कोई तकलीफ नहीं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी कार्य किया गया है, और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। सुविधाएं कैसी थी? सुविधाएं बहुत अच्छी थी। मुख्यमंत्री जी ने ये जो योजना चलाई है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी चलाई है, यात्रा करने के लिए बूढ़े लोगों के लिए सारा बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री जी के लिए कोई संदेश? संदेश यही है, धन्यवाद। यात्रा की व्यवस्था जो राजस्थान सरकार और से की गई है बहुत बढ़िया, अच्छी क्वालिटी है। उसमें हमारे खाने पीने की व्यवस्था, रहने की, ठहरने की, सफाई वगैरह की और नाश्ते की बहुत व्यवस्थित ढंग से की गई है, इसीलिए हम राजस्थान सरकार के बहुत आभारी हैं। हाँ बोले, हम डुमरानी छिपू मोहरा जेल में विधावतान का चूरू जिले का ऐसे गहलोत जी बहुत तकड़ी योजना करी, गंगा सागर का सागर कर गंगा सागर का निर्माण करवाया, समा का बहुत तकड़ी देश का केंद्र मायन 7 दिन का रूट चलाया, 25 तारीख से 1 तारीख का लैके देश में छोड़ा, बहुत तकड़ी हमने नाया, बहुत देश तकड़ी बहुत तकड़ा। मैं हरिप्रसाद गुप्ता S7 सीट नंबर 33 से या तीर्थ नागरियों की यात्रा में शामिल हूँ। जो सरकार के द्वारा नागरियों की तीर्थ यात्रा शुरू की है बहुत अच्छी योजना है, और इसमें जो भी खाना पीना नाश्ता भोजन दिया गया बहुत अच्छा दिया गया, हम इससे संतुष्ट हैं। और अनुदेशक जो हमारे साथ दिए, सभी का अच्छा कार्य रहा। मेरा नाम उमा शंकर शर्मा है, मानगढ़ का निवासी हूँ, और हम 3 नंबर कोच के अंदर हम लोग यात्रा कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की ये निःशुल्क तीर्थ योजना है, उनका पहले तो हम आभार प्रकट करते हैं, उनको बार बार कोटि कोटि धन्यवाद। और रही बात सुख सुविधाओं की, हमने तो ये कल्पना भी नहीं की थी कि इस ट्रेन के अंदर इस तरह की सुविधा है, और इस तरह की नहीं, हमने पहली बार इस ट्रेन में स्नान किया है, स्नान करके बड़ा लुत्फ उठाया है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। हम इसके वास्तव में बहुत ही संतुष्ट हैं। विकट परिस्थितियाँ, वास्तव में विकट परिस्थितियाँ थी, इतनी भयंकर बारिश है, उसके बावजूद उनका ये मतलब मेंटेन करना बड़ा भारी है। ये कर्मचारी है, वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, इनको बार बार हम तो प्रणाम करते हैं। छोटे बच्चे हमारे बेटे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन उनकी सेवा भावना को देखते हुए अगर हमने उस थकान के द्वारा इनको कुछ कह दिया है तो हम तो वास्तव में उनसे माफी मांगते हैं, तो वास्तव में बात बहुत बढ़िया इन्होंने की है, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो वास्तव में उसको हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बढ़िया। जोधपुर में मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भावुकता के साथ खुशियों और आभार अभिव्यक्ति भरा माहौल पसरा रहा, जब पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। नागरिकता पाने वाले सभी लोगों के चेहरे पर खुशी का ज्वार उमड़ता रहा और आंखों में खुशी के आंसू छलकते रहे। मौका था पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के दस्तावेज और स्वीकृति पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का। राज्य स्तरीय नागरिकता शिविर में 324 विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त श्री कैलाश चंद मीणा ने भारतीय नागरिकता पाने वाले सभी पाक विस्थापितों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी और अपील की कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं और धोखाधड़ी से सावधान रहें। आज 14 साल एक दिन हुआ है और हम भारत के नागरिक बने, और खुद बहुत इतनी हृदय से खुशी हो रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, शायद ये लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।